नमस्कार, जानेंगे कि इस कारोबारी सप्ताह में कृषि फसलों यानी एग्री कमोडिटीज में क्या रुख रह सकता है। तो शुरुआत सोयाबीन से करते हैं। हमने देखा कि सोयाबीन में एक मिला जुला सा रुख रहा, जहां पर रिसेंटली प्राइसेस 6900 के करीब गई थी, वहां से हमने करेक्शन आते हुए देखी है और 6700 के करीब की क्लोजिंग देने में बाजार कामयाब हुआ है। ऐसा लगता है कि ये जो गिरावट है या करेक्शन है आने वाले दिनों में कुछ और समय तक चलेगी, यानी 4 या 5 सेशन हो सकता है हमें गिरावट का रुख देखने मिले, जहां पर दाम जो है 6500 से 6550 के बीच कंसोलिडेट करते हुए दिखें। तो शॉर्ट टर्म बेसिस जो ट्रेडर्स हैं वो बिकवाली करके चल सकते हैं 6500 के लक्ष्य के लिए, लेकिन अगर हम 2 से 3 हफ्तों का नजरिया लें तो ऐसा लगता है कि दोबारा 6900 से 7000 तक के लेवल भी हमें आने वाले 3 से 4 हफ्तों में देखने मिलेंगे। तो जो निवेशक हैं वो इस डिप का फायदा उठा सकते हैं दोबारा बाइंग पोजीशन बनाने के लिए, और लगभग 7000 का एक मीडियम टर्म टारगेट लेके चला जा सकता है। वहीं रिफाइंड ऑयल की बात करें तो 1220 से 1225 के बीच क्लोजिंग दी है प्राइसेस ने, और ऐसा लगता है कि एक दायरे में कारोबार होने की उम्मीद है आने वाले कुछ सेशंस में। वो दायरा 1205 से लेकर 1240 का हो सकता है, तो इस दायरे के निचले स्तरों के आसपास बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम 1240 के करीब मुनाफा वसूली करना भी जरूरी होना चाहिए। वहीं सीपीओ में अगर हम देखें तो 1120 से 1122 की क्लोजिंग भी है, और यहाँ पर भी 1160 से हमने गिरावट का रुख देखा है। ऐसा लगता है कि ये जो गिरावट है या करेक्शन है 1110 तक एक्सटेंड होगी, उसके बाद दोबारा एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है मार्केट। तो 1110 के करीब खरीदारी कर सकते हैं 1135 से 1140 के लक्ष्य के लिए। तो एक ओवरऑल एक रेंज बाउंड शॉर्ट टर्म में ट्रेड रहेगा, लेकिन इस रेंज के लोअर एंड के करीब यानी निचले स्तर के करीब हम बाइंग पोजिशन बना सकते हैं और 1140 का एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य लिया जा सकता है। वहीं अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने धनिया, जीरा और हल्दी तीनों में ही एक करेक्शन का रुख देखा है। जीरे से शुरू करें तो जीरे ने 16700 के करीब के हाई से 15800 के करीब के क्लोजिंग दी है, तो ऐसा लगता है ये जो करेक्शन है ये कुछ और समय तक एक्सटेंड होगी और 15400 तक गिरावट आ सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बिकवाली करना जो है वो फायदे का सौदा रह सकता है, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एक महीने के लिए एक रेंज, एक दायरा बना रहेगा निचले स्तरों में 15400 से 15300, और ऊपरी स्तरों के आसपास 16500 का लेवल हमें दोबारा देखने मिलेगा। तो ओवरऑल एक दायरे में कारोबार रहेगा। पिछले हफ्ते भी हमने करेक्शन आती हुई देखी है, तो वो फिलहाल जारी रहेगी जिस तरह मैंने बताया, और उसके बाद दोबारा प्राइसेस उभर कर 16500 तक जा सकती हैं। वहीं हल्दी में अगर हम देखें तो लगभग करंट लेवल से 2 से 2.5% की और गिरावट देखने मिल सकती है। सिमिलरली धनिया में भी हो सकता है 8700 का जो करंट भाव है वहां से लेकर हमें 8500 से 8450 तक के एक फॉल देखने मिल सकता है, तो यहां पर भी 2 से 2.5% की गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल यहां पर भी हमें लिमिटेड डाउनसाइड दोनों में ही हल्दी और जीरे में, हल्दी और धनिया में देखने मिलेगा। तो करंट लेवल से नेक्स्ट वीक के लिए बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन डाउनसाइड जो होगा वो लिमिटेड रहने की आशंका है। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स में जब से हमने ग्वार सीड में एक की सपोर्ट तोड़ते हुए देखा और ग्वार गम में भी करीबन 11700 का जो सपोर्ट था वो तोड़ते हुए देखा, तो दोनों में ही एक गिरावट का रुख देखने मिला है। ग्वार गम की बात करें तो ऐसा लगता है कि 11700 का अब एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा और डाउनसाइड में करीबन 9800 तक ये गिरावट गहरा सकती है पोजिशनल बेसिस पे। वहीं पर ग्वार सीड में क्योंकि 6700 का एक लेवल टूट चुका है, तो ऐसा लगता है कि गिरावट जो है वो 5800 तक आने वाले कुछ दिनों में गहरा सकती है। तो शॉर्ट टर्म बेसिस यानी 1 से 2 हफ्ते के लिए सेवन रैलीज का रुझान दोनों में ही देखने मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन दोनों की बात करें तो बिनौला खल में हमने देखा कि बाइंग साइड क्लोजिंग दी है, यानी तेजी का रुख दिखाकर क्लोजिंग आई है 2730 के करीब। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सेशंस में 2650 का एक सपोर्ट होगा और अपसाइड में 2820 तक की रैली एक्सटेंड हो सकती है। सिमिलरली M6 कॉटन में भी 30800 का एक लेवल है जो सपोर्ट है और अपसाइड में 32300 तक के स्तर हमें देखने मिलेंगे, तो डिप पे बाइंग की जा सकती है 32300 के टारगेट के लिए कॉटन में, और बिनौला खल में 2820 के लक्ष्य के लिए 2700 के नीचे अगर मिलता है तो बाइंग की जा सकती है।
वहीं कैस्टर सीड की अगर बात करूं तो एक दायरे का कारोबार देखने मिला है 6,300 से लेके 6,800 के बीच काफी समय तक प्राइजेस कंसोलिडेट कर रही हैं। 6,500 के ऊपर की क्लोजिंग आई है और 6,300 से प्राइजेस में दोबारा तेजी देखने मिली है, तो ऐसा लगता है कि ये तेजी जो है बरकरार रहेगी और इमीडिएट तौर पे 6,650 तक के स्तर देखने मिलेंगे और उसके बाद एक्सट्रीम केस में 6,800 तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो ये था एक जायजा कि आने वाले हफ्ते में और शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस एग्री कमोडिटीज में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।